सुप्रीमकोर्ट निर्देश को राज्य शिक्षा विभाग एवं ओपीएससी उल्लंघन करुथिबार अभियोग ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को सुप्रीमकोर्ट तीन मास पई रहितादेश प्रसंग में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन बा यूजीसी राज्य गणशिक्षा विभाग एवं ओपीएससी को चिट्ठी लिखिछन्ते। गत 20 तारीख रे एहा उपरे सुप्रीमकोर्ट रहितादेश देथिले। सुप्रीमकोर्ट के निर्देश को राज्य शिक्षा विभाग आउ ओपीएससी उल्लंघन करुथिबा नै यूजीसी पक्षर कहा जायछे। दुईटी चिट्ठी लिखि यूजीसी पक्षर कहा जायछे जे मे 23 तारीख रे ओपीएससी समाज विज्ञान आसीस्टाट प्रोफेसर निजुक्ति फलाफल विज्ञप्ति प्रकाश पाई से 24 तारीख में वाणिज्यर आसीस्टाट प्रोफेसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विज्ञप्ति बाहर था। सुप्रीमकोर्ट में ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम नहीं एलएसपी विचाराधीन अच्छी तेणु ओपीएससी द्वारा शिक्षक निजुक्ति और राज्यर चयन बोर्डर अणशिक्षकों निजुक्ति विज्ञप्ति सुप्रीमकोर्ट निर्देश उल्लंघन करुच्चे। एपरी निजुक्ति प्रक्रिया दूरे रुहतु नचे एवमानना कले आवश्यक हेले आईनगत कार्यानुष्ठान तागिद करिछन्ते यूजीसी। जेहेतु सुप्रीम कोर्ट गोटे इंस्ट्रक्शन जारी करिछन् जे सेमाने पाटाको स्टे करिछन्ति एही समय रे सरकार कौनसी ता उपर एक्शन नबा उचित नुहो जदि करि गोटे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हेइ जीवो आउ गुडाय तो आ उपरे डिस्कशन होइछि एणु एमाने धैर्य धरि रहिबा कथा जेहेतु आजि पन्त तो शिक्षक अपॉइंटमेंट लेक्चरर प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हेइ पारनथिला बर्तमान काहिदि करुछन्ति एरा गोटे संधिहान विषय रहिबो हुए तो जेहेतु बर्तमान चाहूंट सबुआड़े सरकार के ऊपर गोटे क्वेश्चन मार्क रोची शिक्षा को नेग्लेक्ट खुद महाविद्यालय मान भी बर्तमान लेक्चरर नहांती एणु चाहूंट हुए तो ये सब रही करुवे कि उचित नुह।